दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे राशन कार्ड अगर आपका नहीं बना है तो इसके लिए मोबाइल या लैपटॉप से अनुमंडल में शिकायत कैसे करते हैं। अगर आप ब्लॉक में राशन कार्ड के लिए आवेदन दिए हैं तो आपको रिसीविंग मिला होगा, रिसीविंग के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी के पास शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने के बाद आपका राशन कार्ड 10 से 15 दिन के अंदर बन जाएगा। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर राशन कार्ड के लिए कंप्लेन कैसे करते हैं बताते हैं। सबसे पहले गूगल ब्राउजर को मोबाइल में ओपन कर लेना है और यहाँ सर्च में टाइप करना है SFC लिख करके और सिंपल सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने में एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर वाला लिंक यहाँ पर है PDS गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ये फर्स्ट वाला लिंक पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में एक नया पेज खुलेगा। अब आपको यहाँ पर ग्रीवेंस तीसरे नंबर में लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर सबमिट ग्रीवेंस पर क्लिक करना है सेकेंड नंबर में। उसके बाद यहाँ पर ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म खुल जाएगा, इसमें फॉर्म को सही फिल करना है। यहाँ पर चलिए फिल करके बताते हैं। यहाँ पर आपका कार्ड नहीं बना है तो कार्ड इशू को सेलेक्ट करना है। उसके बाद ग्रीवेंस कैटेगरी यहाँ पर कार्ड नॉट इशू सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर नाम देना है जो आवेदन में आप राशन कार्ड के लिए दिए थे, रिसीविंग में जो नाम होगा वही नाम यहाँ पर देना है। तो चलिए यहाँ पर नाम दे देते हैं। नाम देने के बाद इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर पंचायत को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर विलेज का नाम दे देना है और एड्रेस में पूरा एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। आधार कार्ड में जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से आधार कार्ड वाला इसमें एड्रेस देना है। यहाँ पर एड्रेस थाना पोस्ट ये सब यहाँ पर एड्रेस में फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर को देना है। और उसके बाद ईमेल आईडी अगर है तो दे दीजिए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, ईमेल आईडी उतना कंपलसरी नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन में आपको जिस तरह से पत्र लिखा जाता है उस तरह से यहाँ पर लिखना है, हिंदी या इंग्लिश में दोनों में से किसी एक पर यहाँ पर लिखना है। जैसे सेवा में श्रीमान अंचलाधिक पदाधिकारी महोदय, मैं इतना तारीख को राशन कार्ड के लिए आवेदन किए थे, ये सब जानकारी यहाँ पर देना है। और रिसीविंग का जो नंबर होता है वह भी यहाँ पर देना है और किस तारीख को आप आवेदन दिए थे उसका भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अटैचमेंट 1, अटैचमेंट 2, अटैचमेंट 3 यहाँ पर इसका मतलब है आपको कोई रिसीविंग वगैरह है तो यहाँ पर अपलोड करना है, वो भी 512 केवी के अंदर में PDF में कन्वर्ट करके PNG फाइल में इसको अपलोड करना है। और दूसरा में आपको अगर आधार कार्ड या आवासीय प्रमाण पत्र है तो यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, यहाँ पर अकाउंट नंबर अगर है तो अपलोड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये सब जानकारी भर देने के बाद यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको एक 6-7 डिजिट का एक आपको नंबर मिलेगा, वह नंबर से आप समय समय पर आप चेक कर सकते हैं, उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए एक स्टेप बैक जाते हैं।
स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर है नो ग्रीवेंस स्टेटस, तीसरे नंबर में जो है उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन आईडी को फिल करना है, तो आईडी को यहाँ पर दे देते हैं। आईडी को यहाँ पर फिल कर देने के बाद यहाँ पर गेट स्टेटस पर क्लिक करना है। यहाँ पर गेट स्टेटस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगा, जो आपका काम अभी कहाँ तक कौन कौन अफसर के पास गया है, ये सारी जानकारी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कितने तारीख को आप ये रजिस्ट्रेशन किए हैं और आपका काम अभी यहाँ पर स्टेटस में पेंडिंग बता रहा है, आपका अभी काम नहीं हुआ है, तो इस तरह से आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं।